मार्गोट रॉबी और रायन गोसलिंग स्टार बाबी 21 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। बार्बी की खूबसूरत दुनिया पर बेस्ड इस फिल्म ने भारत में भी धमाल मचाया हुआ है। कई फेमस सेलेब्स भी अपने प्यारे बच्चों को उनकी फेवरेट बार्बी दिखाने के लिए सिनेमाघरों में स्पॉट हुए। टीवी एक्ट्रेस जूही परमार भी अपनी 10 साल की बेटी समायरा के साथ बार्बी देखने मूवी डेट पर गई थी। हालांकि फिल्म पर कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस का रिएक्शन दूसरों से अलग था। दरअसल वे इस फिल्म से निराश हैं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखकर इस फिल्म को अपने बच्चों को दिखाने की प्लानिंग कर रहे पेरेंट्स को सलाह दी है। जूही परमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बड़ा सा पोस्ट शेयर कर बताया है कि वो ग्रेटा गर्विंग की बार्बी से कितनी निराश हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, मैं आज जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ उससे मेरे बहुत सारे ऑडियंस खुश नहीं होंगे और आप में से कुछ लोग मुझसे गुस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस नोट को एक कंसर्न पेरेंट्स के रूप में शेयर कर रही हूँ। मुझे गलत ना समझें, जो गलती मैंने की वो ना करें और प्लीज अपने बच्चों को फिल्म के लिए ले जाने से पहले चेक कर लें, ये ऑप्शन आपका है। जूही ने अपने पोस्ट में लिखा, डियर बाबी, मैं अपनी गलती को मानने से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी 10 साल की बेटी समायरा को तुम्हारी फिल्म दिखाने चली गई बिना ये फैक्ट रिसर्च किए कि ये PG-13 मूवी है। फिल्म में 10 मिनट तक सही भाषा नहीं थी और आपत्तिजनक सीन भी थे। लास्ट में परेशान होकर मैं ये सोचते हुए बाहर निकल आई कि मैंने अपनी बेटी को ये क्या दिखा दिया। वो कब से तुम्हारी फिल्म देखने का वेट कर रही थी। मैं शॉक्ड थी, निराश थी और मेरा दिल टूट गया कि मैंने अपनी बेटी को क्या दिखा दिया है। जूही परमार ने आगे लिखा है, मैं पहली ही थी जो फिल्म शुरू होने के 10-15 मिनट बाद ही इसे बीच में छोड़कर वहां से बाहर आ गई थी। हालांकि बाद में मैंने नोटिस किया कि कुछ और पेरेंट्स भी थे जो फिल्म बीच में छोड़कर बाहर निकल आए थे और उनके बच्चे रो रहे थे। वहीं कुछ ने पूरी फिल्म देखी थी। मैं खुश हूं कि मैं 10-15 मिनट में ही हॉल से बाहर आ गई थी। मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हारी फिल्म बार्बी लैंग्वेज और कंटेंट की वजह से 13 साल से ऊपर बच्चों के लिए भी सही नहीं है। जूही परमार के इस पोस्ट के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।